गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 24 जून 2020। तो आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप लोगों का मैं वेलकम करती हूँ अर्चना सिंह। देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ। इससे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे मेंस से रिलेटेड सारी सीरीज चलाई जा रही है, GS 1, 2, 3, 4। तो उसके लिए मेरे चैनल पे विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, और जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कुछ प्रतिबंधों के साथ उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति किसने दी है इनमें से? तो ये दी है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस यात्रा को स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर समिति राज्य और केंद्र सरकार के साथ संयोजन के साथ समन्वय के साथ यहाँ पर आयोजित करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर सिंह बाघेला ने हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। ये गुजरात में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर जयंत पटेल उर्फ बोस्की के नियुक्ति के बाद से ही पार्टी के नेतृत्व से नाराज थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये हिंदी संस्करण लॉन्च किया गया है। पहले ये ऐप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में था, बट अब नीट के छात्र और जेई के छात्र तैयारी हिंदी में भी कर सकते हैं। बट इसके लिए हिंदी फीचर का लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट को अपना ऐप अपडेट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य के एक जिले में विश्व वन जीव कोष और वन विभाग को 50 लाख साल से भी अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये मिला है उत्तर प्रदेश से। विश्व वन जीव के सर्वेक्षण के मुताबिक ये जीवाश्म हिप्पोपोटामस व डायनासोर के समकालीन हाथियों की स्टेगोडॉन प्रजाति का है, और ये जो मिला है ये सहारनपुर के शिवालिक की पहाड़ियों में मिला है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है न्यूजीलैंड ने। यहाँ पर इन्होंने क्रूज पर प्रतिबंध बढ़ाया है, और इसकी पुष्टि की है प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये दिया है नेपाल की संसद ने। चलिए देखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन। तो नेपाल ने भारत में या किसी और देश की बेटी को नेपाल की बहू बनाने के बाद भी यहाँ की नागरिकता के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। हाल ही में देश की संसदीय पैनल ने नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी ने वॉर्न ऐप लोगों के बीच निकट संपर्क को मापने के लिए ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज रेडियो का ये उपयोग करती है, और उनमें से किसी को अगर कोविड-19 सकारात्मक होने की पुष्टि होती है तो उसकी चेतावनी वार्निंग जारी करती है। जर्मनी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है बर्लिन, इसकी मुद्रा है यूरो, और इनके राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं विक्रम पावर। BMW के ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, और BMW की बात करें तो ये जर्मनी की कार निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 7 मार्च 1916 में, मुख्यालय है म्यूनिक जर्मनी में, और संस्थापक है ओलिवर जिप्से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? तो ये किया है IIT पलक्कड़ ने। ये ऐप ये पहला ऐप है जो केवल अल्ट्रासाउंड वीडियो अपलोड करके स्वचालित विश्लेषण करने के लिए चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हो गया, वे कौन थी? तो ये थी एक सामाजिक कार्यकर्ता। विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश के राज्य की बात करें तो ये उसके GS का क्वेश्चन हो जाता है। इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपकी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।